नमस्कार स्पेसिफिकली नतुन का भिडिओ पुनः स्वागत जानसो आज भिडिओ हम लोग गई है बहुत धमाका थंबनेल देखिए अपने निश्चय गम पाले हेलिकप्टर देखने अहर ना बट हेलिकप्टर देखा इंडियन आर्मी सकोधरण सा सजुली आज जोहटर स्टेडियम से धुनिया के सबके देखा से अपना चाह पड़ मैं गोटेखी अपना फल गोटेखी धुनिया के देखा जाचुअल आज और कई आज आप लोग पारे चाहिए पे ऊर सकोधरण हेलिकप्टार इतने बहुत बेलेग बेलेग हेलिकप्टार हो मैं अपना देखा ये चौकने चौक आगत आए एन गोटेब मैं अपना ऊर धुनिया के देखा अपना भिडिओ तो लास्ट लेकिन धुनिया के सौ यहाँ चौक गाइज ब्लेक एकदम कला माने एन आपको मैं धुनिया के देखा चौक किमान डांगोर किमान धुनिया है आज चलामे बपे के एबार माने देखिए माने चला चला लगे गाइज देखा अपना माने यही कारण गोटे पाकिस्तान चाइना सब कपी थे अपना सब ऊर धुनिया के देख एन मानने डेन्जार अपना ठीक है ये मैं यार गुली उलाय बहुत बेसि डांगर है ऊर दूर मैं सौ लगे बहुत बेसि डांगर है गाइज सब देखा दी मैं भर तो देखा चेस्ा करी दिए उठा बोले कैमेरा भर तो देखा भिडिओ तो एने थे सब और बेलेग बेलेग धरण वेपन्स आसे आपनलोग मैं देखाम आगले गई पे जदि अहा ना राइज सोनकाले आहक एतु मोर प्रथम ब्लॉग है स्टेडियम मैं प्रथम बनाइछो बहुत सोनकाले रातिपुवा आर्ली मर्निंग मैं नटाते आछो गाइस आपनलोगर कारणे आपनलोग सोनकाले आहक आजि आरु काइले दुदिन समय आसे सोनकाले सोनकाले आहक आजि 21 है काइले 22 और आज जो आपके 21 मैं मर्निंग ब्लग बनाई हक अपने बहुत बहुत धरण वेपन्स बहुत इंडियन आर्मी जी यूज कर सब इतने मेल आप जल्दी चाह पड़े 21-22 दुदिन आज सोनक आक गाइज देरी नक इसका क्या नाम है सब एक्चुअली सर कहाँ पर यूज होता है ज्यादातर ज्यादातर कौन से मतलब कहाँ पर यूज होता है ये सब ये अंदर घुसाना हो मेन तो बंगर को अंदर घुसाते ना हां उसको ऊपर स्टेज ओके और इसका इसको एंटी टैंक को बोलते हैं एंटी पर्सन को भी होता है एंटी एंटी टैंक एन टैंक को टैंक के लिए ना ओके ठीक थैंक यू इसको नाम है इसका नाम 40mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर ओके ओके ठीक है इसका टारगेट रेंज होता है 1700 मीटर और इसका टोटल वेट होता है 30 kg अच्छा 30 kg ये विदाउट बॉक्स ओके ओके इसमें क्या मतलब राउंड कितना आता है इसमें 30 ग्रेनेड आता है अच्छा और ग्रेनेड भी आता है ना हां ग्रेनेड आता है ओके और इसका 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 नाम है गन मशीन 7.62mm मैग लिफ्टेड ओके 2A2A होता है ओके ये सब हथियार का एक्चुअली यूज कहाँ पर होता है ज्यादातर हाँ जी ज्यादातर यूज कहाँ पर होता है ऐसे हथियार का अच्छा यूज का होता है
अगर इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करता है, जो इनडायरेक्ट फायर जो पहाड़ी के पीछे से बहुत फायर करता है, ये यूज होता है जब ग्रुप्स को फायर सपोर्ट देना है। ये कौन सा गाना है? ये 81 mm मोटर है सर। इसका मैक्सिमम रेंज है 5200 मीटर। हम इसको दुश्मन छुपे हुए दुश्मन को किसी पहाड़ी के ऊपर पर इनडायरेक्ट फायर करके हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये एरिया वेपन हथियार है। ओके थैंक यू। इसका क्या कहना बता सकते हैं? नाम क्या है? स्पॉटर स्कोप। बाइनोकुलर होता है ना, बाइनोकुलर दो आंख से देखता है लेकिन ये एक आंख से देख सकते हैं। इसका जूम है 60x तक। ओके मतलब दुश्मन को काफी दूर से देख सकते हैं। और इसका क्या कहना बता सकते हैं? ये है ना, ये है ना, कितना दूर तक देख सकते हैं? इसका दूर ज्यादा नहीं है, 10-12 किलोमीटर और देख सकते हैं। ओके थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब यूज कहाँ पर होता है ज्यादातर? ये पर आपका बॉर्डर में करते हैं, बॉर्डर के लिए बॉर्डर में करते हैं। ये जो भी हरकत दिखाती है दुश्मन का, इसका बॉर्डर में क्या क्या आता है? मतलब प्लेन वगैरह? प्लेन मतलब कोई हवाई जहाज से अटैक किया क्या? हाँ, उसके भी दिखाई देगा। अच्छा था। लेकिन ये ज्यादातर ये जितना भी है ना हल, अच्छा ग्राउंड के लिए है ना? ये आपका ऊपर ज्यादा नहीं दिया है इसलिए। ऊपर इसके एलिवेशन है ना, सिर्फ 15 तक ही दिया है, लेकिन -40 तक दिया है इसको। ओके ये आपका -40 से लेकर 15 तक आपका एलिवेशन कर सकता है इसको। ओके ना, इसलिए सर सब क्या नाम है? स्नाइपर है ना। এখানে সব প্যার রেজিমেন্টের হাতিয়ার হয়, বেলা বেলা ধরনের হাতিয়ার আছে। তাতে বেলা বেলা ধরনের বহুত ধরনের হাতিয়ার আছে, তেওঁলোকে ইউজ করা সঁজুলি বিলাক। मेन पैराशूट मैन्युअली आप ऑपरेट करेंगे, इसको तीन तरीके से ऑपरेट करते हैं। अगर जो पैराशूट है, जो जंपर है वो अनट्रेंड है, जैसे आप सोल्जर हो, पर आपके पास लेकिन इस वक्त सिग्नल रेजिमेंट है अपना, सिग्नलों का कारण जिखनी यूज करा है हथियार वेपन सिग्नल यूज करा है गोटेखिन हल सिग्नल रेजिमेंट। ये तो सब गाइस केनेकवा धरनर गान इदिन आमी यूज करसक या गुटे या तो म आपन देखाइसो सब केनेकवा धरनर एतु गान। এটো প্লেন স্লেন জিবলাক এটাক করে উপর দিয়ে আহিলে এটো গান হয় সাইড অফ রাইস। সব আর বাকি এটো সব এটো সিগন্যাল দিয়ে এটা সব এটো গাইস মিসাইল হয় সব আপনাদের এটো মিসাইল সব এটো এটা মিসাইল হয় বেলেগ বেলেগ ধরনের এটা মিসাইল আছে আমরা সব দেখাইছো ধুনিয়াকে। रॉकेट लॉन्चर जी कहते सर एयर डिफेंस गान है, बेलेग बेलेग एयर डिफेंस गान দেখাম আপনার ওসর এটা মানে কি উপর পর যুব প্লেন স্লেন আহে অ্যাটাক করে এইবিলাকক ডিফেন্স করবলে হয় গান হয় এয়ার ডিফেন্স। ডগস চাই যদি গাইস সোনকালে আহক 10:30 পর ডগস স্টার্ট হবো। এই আসো সব রেডি হয়ে আছে, আপনারা সোনকালে সোনকালে আহক।
আজি ভিডিওটো গাইছ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আৰু আপোনালোকে যদি অহা নাই জুহাট ষ্টেডিয়ামলৈ আহক সোনকালে আজি 21 আৰু 22 ফেব্ৰুৱাৰী দুদিন ইয়াত মেলা আছে মই আজি 21 ফেব্ৰুৱাৰী মৰ্নিংতে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিও আনিছো যাতে আপোনালোকে সোনকালে আহি ইয়াত আনন্দ ল'ব পাৰে নজনা কথা জানিব পাৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ সঁজুলিৰ বিষয়ে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৱেপনছ ইউজ কৰে তেওঁলোকে সেই বিষয়ে জানিব পাৰে আহক চৌকি আনন্দ লওক জয় হিন্দ জয় ভাৰত।